आज हिमाचल की जनता ने एक आम परिवार के आद व्यक्ति को, जिसने राजनीति में कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो प्रदेश की बागडोर संभालेगा और आज उस कुर्सी पर पहुंचेगा, जिसके लिए मैं प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कुछ क्षण भावुकता के होते हैं और इस दृष्टिकोण से भी लोगों ने हमें सेवा करने का मौका दिया है। हम जो बात हमने कही है कि हिमाचल के सभी वर्ग, समाज का कोई भी ऐसा वर्ग जिसमें महिलाएं, किसान, बागवान, मजदूर, दलित, युवा साथी, जो भी उनके हित की नीतियां होगी, मेरे सम्मानित विधायकगण, उप मुख्यमंत्री जी मुकेश अग्निहोत्री जी और हमारे जो वरिष्ठ नेता है पार्टी में, जिन्होंने अनुभव किया है, ठाकुर कौल सिंह जी, कुलदीप जी, जिन्होंने पार्टी को सींचा है, हम सब लोग पार्टी को सींचा है हम लोगों ने। और जब पार्टी को सींचते हैं तो उस सींचने के बाद जब वो गुलदस्ता बनता है, उस गुलदस्ते में से एक अगर कोई कमल खिलता है तो उसका मतलब होता है कि वो सबके लिए एक सम्मान है, सबके हित की बात करने के लिए है। इस दृष्टि से हम आज पहली बार यहाँ ऑफिशियल तौर पर चार्ज ले रहे हैं। मेरा आप पत्रकार बंधुओं से, प्रदेश की जनता से भी ये अनुरोध रहेगा, हमें कुछ समय दीजिए स्थितियों को समझने का, और इस कुछ समय के बाद आपके पास कांग्रेस पार्टी के जितना भी मंत्रिमंडल होगा, वो मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के ठाकुर कौल सिंह जी, कुलदीप कुमार जी, विप्लव ठाकुर जी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सींचा है, मैडम स्टोक्स जी, विद्या स्टोक्स जी, इन सब लोगों को मिलकर हम आगे की रणनीति बनाएंगे और एक सही दिशा में इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। यही मेरा आप लोगों से कहना है। बहुत बहुत देखिए, अभी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा राजीव शुक्ला जी ने कहा है कि आपने करनी है, पहले हम परिस्थितियों को अंडरस्टैंड कर लें। और जल्दी ही मंत्रिमंडल का गठन तो हाई कमांड करता है, और जैसे ही हाई कमांड दिशा निर्देश देगा मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाएगा। सर, एक्सपीरियंस और यंग का मिक्सचर होगा आपका जो कैबिनेट को? देखिए, उसमें सभी का मिक्सचर होगा, प्रोफेशनल्स का भी मिक्सचर होगा, सभी लोगों को हम आगे लाएंगे। और जो भी मंत्रिमंडल आने वाले समय में बनेगा उसमें युवा भी होंगे, सभी वर्गों का, सब लोगों को आगे लाया जाएगा। और मंत्रिमंडल का दृष्टिकोण और जो मंत्री बनते हैं उनका क्या दृष्टिकोण होगा, इस दृष्टि से भी चर्चा की जाएगी कि प्रदेश में सत्ता नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, सभी का समावेश करके मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। सरकार और संगठन का तालमेल कैसे किया जाएगा? बिल्कुल अच्छा तालमेल होगा। ये सवाल आप पूछकर उस तालमेल को बिगाड़ने की कोशिश मत करना क्योंकि तालमेल अच्छा है और हम सब लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो सब लोग संगठन के आदमी हैं। और अभी अभी मैडम प्रतिभा जी और हम सब लोग अभी यहाँ आ रहे हैं, उन्होंने अभी मुझको फोन किया, लेकिन मेरा मुहूर्त था, तो ये राहु काल से पहले ही है ना मुहूर्त होता हमारी जिंदगी, उससे पहले मैंने और मुकेश जी ने कुर्सी पर बैठना, अभी हम सब बैठेंगे, सभी MLA लोग बैठेंगे और अभी हम अपनी चर्चा करेंगे। बहुत सर आपने जो है गारंटियां दी है और बहुत बार जो है मंच बिल्कुल ने भी कहा है, मुकेश जी ने भी कहा, पहली कैबिनेट जब मुकेश जी और हमने कहा तो दोनों प्रदेश के लीडर हैं और जनता सुनती है, तो उन गारंटियों को अभी करने का आज एक दिन में तो नहीं होगा ना। अब पहली कैबिनेट में जब हमारा पूर्ण कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, उसकी पहली कैबिनेट में इन सब गारंटी योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट के काम में लेटलेस की और भ्रष्टाचार पर क्या आपका टेक रहेगा? हमारी सरकार ट्रांसपेरेंट होगी, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हम जल्दी ही ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाने वाले हैं, जीरो टॉलरेंस इन करप्शन होगा, और उस एक्ट की भूमिका मैंने कई बार की है, कहा है, उस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही
इसका ब्लूप्रिंट आपके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, बाकी आप ये ऑफिस में बात करेंगे, ब्रीफ में जाना चाहेंगे। टेक ओवर कर दिया है गवर्नमेंट को, आप दोनों ने किस तरह का एजेंडा फॉरवर्ड है, जो कमिटमेंट्स हैं? नहीं, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्यभार संभाला है, तो यहाँ पे आज नई शुरुआत हो रही है हिमाचल प्रदेश में। और जहाँ तक आप गारंटीज की बात कर रहे हैं, हमने कहा है उन गारंटीज जो हमने ऐलान किए हैं उनको हम पूरा करेंगे, अगर तो कैबिनेट बन जाती है तब तो फुल कैबिनेट में, जैसे इन्होंने कहा, नहीं तो हमने 10 दिन कहा है, 10 दिन से पहले चीफ मिनिस्टर प्लस डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट फॉर्म करते हैं दोनों, तो हम फैसला उस हिसाब से कर लेंगे।